हेलो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल आपकी गुरुमा इस अमेजिंग पॉडकास्ट सीरीज में आइए आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्कोरिंग चैप्टर है छोटा सा चैप्टर है बट यहाँ से थ्री टू फोर क्वेश्चन बनते हैं दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स हमने नर्वस सिस्टम की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे बॉडी की जितनी भी कोऑर्डिनेशन है एक्टिविटीज का वो दो सिस्टम्स मिलकर करते हैं एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम क्विक एक्टिंग एक्टिंग है है ये स्लो बट जो भी चीज जल्दी काम करती है वो शॉर्ट टर्म काम करेगी जबकि स्लो एंड लॉन्ग टर्म काम करेंगे अब इस चैप्टर में एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमें सबसे पहले समझना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं ग्लैंड मतलब ग्रंथी एंडोक्राइन ग्लैंड उस ग्रंथी को उस ग्लैंड को बोलते हैं जो प्रोड्यूस करके अपने मटेरियल को सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं इनमें कोई डक्ट नहीं है जैसे सलाइवरी ग्लैंड में तो हम पढ़ते हैं ना डक्ट होती है मेमरी ग्लैंड में डक्ट होती है डक्ट के थ्रू वो मटेरियल टारगेट जगह तक आता है पर एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब डकट लेस ग्लैंड एंडोक्राइन मटेरियल का जो भी सिक्रीशन एंडोक्राइन ग्लैंड का जो भी मटेरियल है सिक्रीशन है उसे हॉर्मोन बोलते हैं तो हॉर्मोन क्या है हॉर्मोन में ये बोल सकती हूं कि ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है नॉन न्यूट्रिएंट मतलब इससे एनर्जी नहीं मिलेगी नॉन न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट को न्यूट्रिएंट्स मानते हैं ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है नंबर वन नंबर टू ये प्रोड्यूस होगा एंडोक्राइन ग्लैंड में ब्लड में डाला जाएगा इन दूर डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन पे जाके काम करेंगे यानी दो सेल्स के बीच में खबरी है ये पोस्टमैन है यानी इंटर सेल्यूलर मैसेजर इंट्रा नहीं इंटर सेल्यूलर मैसेजर है

सेला टर्सिका उसके अंदर प्लेस्ड होती है सो so, ब्रेन में हो गए पिनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड अब हम आते हैं नेक नेक एरिया एरिया में के में के थायराइड ग्लैंड आएगा और थायराइड के पीछे चार फोर ग्लैंड तो वन पिनियल वन पिट्यूटरी वन थायराइड एंड फोर पैराथाइर और नीचे आएंगे तो जो चेस्ट का एरिया है स्टर्नम के पीछे चेस्ट बोन के पीछे एंड हार्ट के फ्रंट में थाइमस ग्लैंड है वन इन नंबर और नीचे आएंगे तो पैनक्रियाज है जो डिओडनम के सी शेप्ड लूप में होता है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा है नाउ और नीचे आएंगे तो किडनी के ऊपर दो यानी टू एड्रीनल ग्लैंड है और नीचे आएंगे तो मेल्स में टेस्टिस है टू एंड फीमेल्स में ओवरी है टू यानी वन पीनियल वन पिट्यूटरी वन थारॉइड फोर पैराथाइरोड वन था टू एड्रीनल ग्लैंड ये तो सब में है मेल फीमेल में प्लस मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरी है अब हमने ग्लैंड का नाम और उनके नंबर की बात की इनमें से पॉट पॉट मतलब पी ओ टी पैनक्रियाज ओवरी एंड टेस्टिस हेटेरोक्राइन या मिक्सड ग्लैंड है या कंपाउंड ग्लैंड है यानी इनका एक पार्ट एंडोक्राइन है जो हॉर्मोन्स बना के ब्लड में डालेगा और एक पार्ट एक्सोक्राइन है जो अपना सिक्रीशन जो भी बनाएगा उसे डक्स के थ्रू डालेगा जैसे याद है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पैनक्रियाटिक डक्ट की बात की थी जो जूस लेके जाता है पैनक्रियाटिक जूस ओवरी में टेस्टिस में डक्स होती हैं, एपिडेडाइम वासा डिफरेंस या फैलोपियन ट्यूब एक्सेट्रा जो गैमीज ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो पॉट पीओटी या टॉप से याद रख लो टेस्टिस, ओवरी पैनक्रियाज हेड्रोक्राइन या मिक्स ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड होते हैं अब आइए हम थोड़ा सा इनकी जो है ओरिजिन की बात कर लेते हैं देखो मैं ये एनसीआरटी में नहीं दिया बट इस पर क्वेश्चन आते हैं बहुत मजेदार है ब्रेन में जो भी है यानी पिट्यूटरी और पीनियल वो नर्वस सिस्टम किससे डेवलप होता है एक्टोडर्म तो ये एक्टोडर्मल हो गए।

टेस्टिस ओवरी हम जानते हैं मीजोडर्मल है मीजोडर्मल एड्रीनल जो है उसके दो पार्ट्स है आउटर एड्रीनल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला एड्रीनल मेड्यूला से आपको आइडिया एड्रीनल इन और निकलते हैं उनका कनेक्शन सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम से है नर्वस सिस्टम यानी ये एक्टोडर्मल है और जो एड्रीनल कॉटेक्स है वो मीजोडर्मल है अब इनके केमिकल नेचर की बात सुनिएगा यह सुनना बहुत जरूरी है ताकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जहां से बहुत कॉमनली क्वेश्चन आते हैं आपको रटना नहीं पड़ेगा देखिए केमिकल नेचर में फोर कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे नंबर वन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स नंबर टू प्रोटीन यानी या प्रोटीन नंबर थ्री आयोडीन के डेरिवेटिव्स आयोडीनेटेड एंड नंबर फोर स्टेरॉइड स्टेरॉइडल यानी लिपिड लाइक स्टेरॉइड में ध्यान रखो क्या क्या आएगा जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं यानी टेस्टोस्टेरोन पूरे ग्रुप को एंड्रोजन बोलते हैं या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये तो टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये स्टेरॉइड हार्मोन हैं और एडेरिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कार्टिकॉइड्स वो सब स्टेरॉइड हॉर्मोन्स हैं नाउ आयोडीन वाले में टी थ्री और टी फोर आएगा यानी थायरॉइड के ये दो हॉर्मोन्स ट्राई आयोडोथायरोनिन टेट्रा आयोडोथायरोनिन ये जो दोनों कैटेगरीज है माई डियर स्टूडेंट जो अभी मैंने बोली ये दोनों कैटेगरीज लिपिड सॉल्यूबल है डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा सकते हैं यानी इनका जो रिसेप्टर है वो साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा यानी सेल के अंदर मिलेगा इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर होगा क्योंकि डायरेक्ट हार्मोन टारगेट सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा राइट right? नाउ ये काम कैसे करेंगे ये सीधे रिसेप्टर के साथ जुड़ेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वो अल्टीमेटली डीएनए के साथ एसोसिएट हो जाएगा और डीएनए में रेप्लिकेशन करवाएगा फिर ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा यानी एमआरएनए बनेगा फिर आ, ट्रांसलेशन होगा प्रोटीन बनेगा और उस प्रोटीन के कारण इफेक्ट आ जाएगा जैसे एनसीआरटी में ईस्ट्रोजन का एग्जाम्पल दिया है ईस्ट्रोजन बनता ओवरी में है हमें पता है सीधे यूट्रस में जाता है उसका टारगेट ऑर्गन यूट्रस है यानी यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम का सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा डीएनए के साथ अटैच होगा प्रोटीन बनवाएगा और उस प्रोटीन के कारण से एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करती है ये हमारी एनसीआरटी में एग्जाम्पल दिया है तो ये आयोडीन वाले और स्टेरॉइड वाले लिपिड सॉल्यूबल हैं डीएनए के साथ अटैच होकर काम करेंगे इन सब में टाइम लगेगा नेचुरली ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वगैरह होना है तो ये स्लो एक्टिंग है और जो भी चीज स्लो एक्टिंग है वो लॉन्ग लास्टिंग अफेक्ट देती है अब अमीनो एसिड डेरिवेटिव में हमें क्या रटा होना चाहिए नंबर वन इसमें ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव है मिलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से जो मिलाटोनिन निकलता है वो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बनता है एड्रेनालिन, नॉन एड्रीनलिन टाइरोसिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं ये हमारी टिप्स पर होना चाहिए नाउ इसके अलावा जितने भी है माइडियर स्टूडेंट्स वो सारे आप डाल दो पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन की कैटेगरीज में जैसे देखो याद करवाती हूँ पिनियल से मिलाटोनिन तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो गया ट्रिप्टोफैन का पिट्यूटरी के जितने हैं, हाइपोथैलेमस के जितने हॉर्मोन्स पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन कैटेगरी में चले गए फिर थायराइड का टी थ्री टी फोर तो आयोडीन वाला है पर थायराइड से कैल्सिटोन निकलता है वो इस कैटेगरी में डाल दो प्रोटीन वाले में फिर पैराथायरॉयड वाला प्रोटीन वाली कैटेगरी में डाल दो फिर और नीचे आए थाइमस वाला प्रोटीन की कैटेगरी में डाल दो फिर और नीचे आए पैंक्रियास का प्रोटीन की कैटेगरी में डाल दो इंसुलिन ग्लूकेगॉन सब फिर और नीचे आए एड्रीनल कॉटेक्स वो तो हम वहां डाल चुके हैं स्टेरॉइड वालों में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरालोकॉटिकॉयड स्टेरॉइड सारे फिर एड्रीनल मड्यूला के हम यहाँ डाल चुके हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव एड्रीनलिन नॉन एड्रीनलिन फिर टेस्टिस ओवरी के भी हम स्टेरॉयडल में डाल चुके हैं टेस्ट्रोस्टर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन यानी ये तीन कैटेगरी अमीनो एसिड डेरिवेटिव आयोडीन और स्टेरॉइड याद कर लो बाकी सारे उठाकर प्रोटीन बोल सकते हो आप नाउ ये जो अमीनो एसिड और प्रोटीन वाले हैं डेरिवेटिव के हॉर्मोन क्रॉस प्लाज्मा ये लिपिड में नहीं है ये वॉटर लविंग है और इसीलिए ये प्लाज्मा क्रॉस नहीं कर पाएंगे टारगेट सेल की यानी कि इनका रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होना चाहिए मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है उसके साथ ये अटैच होंगे और फिर ये एक दूसरा खबरी जनरेट करेंगे सेकेंड मैसेजर सेकेंड मैसेजर क्या हो सकता है कैल्शियम आयन ट्राई इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट डीएजी डायएसाइल ग्लिसरॉल या साइक्लिक जीएमपी और फिर वो काम करवाएंगे हमारी एनसीआरटी में एफएसएच का एग्जांपल दिया एफएसएच जो पिट्यूटरी बनाती है प्रोटीन वाला हार्मोन है और वो आकर काम करेगा ओवरी पर फॉलिकल डेवलपमेंट कराना है पर उसका रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड है और सेकेंड मैसेंजर के थ्रू वो वर्क करवाएगा डन सो so, ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और केमिकल नेचर यहाँ बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं मैंने आपको बहुत सीरियल ऑर्डर में समझाया ऐसे ही इसे लर्न करिएगा अब आइए हम स्टोरी आगे बढ़ाते हैं और अब हम आ जाते हैं एक एक करके सारे ग्लैंड्स पर पर इसमें सबसे पहले हमें क्या समझना है हाइपोथैलेमस स्टूडेंट्स हाइपोथैलेमस तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है हाइपोथैलेमस में हमारे थर्स्ट सेंटर प्यास का भूख का थर्स्ट हंगर थर्मोस्टैड बॉडी का टेम्परेचर मेंटेनेंस वो सेंटर्स हैं पर मैंने वहां भी कहा था कि हाइपोथैलेमस जो होता है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स हैं हैं तो न्यूरॉन्स पर वो हॉर्मोन्स बना रहे हैं पर इसे इसे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं मानते मानते नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये वो गुंडा है ये वो पुलिस वाला है जो लगता तो पुलिस वाला है पर एक्चुअली गुंडा है सबसे बड़ा आइए देखते हैं हाइपोथैलेमस है पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है समझिए पिट्यूटरी के दो पार्ट्स होते हैं पिट्यूटरी को पिट्यूटरी को एसिस कहते हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया एडीनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है न्यूरो न्यूरोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी में एंटीरियर लोब और मिडिल लोब आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पोस्टीरियर लोब आता है ह्यूमंस में एंटीरियर और मिडिल लोब मर्ज होकर एंटीरियर पिट्यूटरी बनाते हैं अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन नहीं बनाती उसके हार्मोन हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स न्यूक्लिया बनाकर भेजते हैं और एग्जॉन्स के थ्रू आकर वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में केवल स्टोर्ड होते हैं और जरूरत पड़ने पर वहां से रिलीज होते हैं इसीलिए कई बार पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पॉल्स सूडो एंडोक्राइन ग्लैंड भी कह देते हैं और इसीलिए कहते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में है क्योंकि उसके हॉर्मोन्स बनाता ही हाइपोथैलेमस है दो हार्मोन्स होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के माय डियर स्टूडेंट्स नंबर वन ऑक्सीटोसिन एंड नंबर टू एडीएच आप जानते हैं ऑक्सीटोसिन हमने पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो डिलीवरी के समय मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन करा के चाइल्ड बर्थ करवाता है इसीलिए ऑक्सीटोसिन को चाइल्ड बर्थ हॉर्मोन भी कहते हैं और यही हॉर्मोन है ऑक्सीटोसिन जो आपको याद है ब्रेस्ट में जो डक्ट्स से उनमें कॉन्ट्रैक्शन कराकर मिल्क रिलीज मिल्क इजेक्शन करवाता है इसीलिए से लव हार्मोन मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोलते हैं हार्मोन नंबर टू जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड है और वहां से रिलीज होगा एडीएच एडीएच हमने किडनी वाले चैप्टर में भर भर के पढ़ा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ये वेसल्स कंस्ट्रिक्ट भी करता है तो वैसोप्रेसिन भी कहते हैं ये क्या करता था ये किडनी पे जाएगा और किडनी के डीसीटी और कलेक्टिंग डग से वाटर का कर रीअब्सॉर्बेशन करवाएगा हम अच्छे से जानते हैं नाउ अब हम आ जाते हैं एंटीरियर पिट्यूट्री पर एंटीरियर पर भी हाइपोथैलेमस का कंट्रोल है पर इनडायरेक्ट कंट्रोल है समझिए एंटीरियर पिट्यूट्री खुद अपने हार्मोन्स बनाती है पर उन्हें वो हॉर्मोन ज्यादा बनाना है कम बनाना है वो कमांड आएगा हाइपोथैलेमस से कैसे भी सिखाऊंगी चलिए तो आइए एंटीरियर पिट्यूटरी के सेवन हार्मोन समझते हैं सबसे पहले एंटीरियर लोब से छह हार्मोन्स निकलेंगे नंबर वन जीएच ग्रोथ हार्मोन इसे एसटीएच टी सोमैटोट्रोफिक हार्मोन भी बोलते हैं सोमा मतलब बॉडी सोमैटोट्रोफिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन नंबर टू टीएसएच थायराइड एच हार्मोन

स्टमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल डेवलपमेंट करवाता है और मेल्स में आप जानते हो हमने पढ़ा है ये सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर्स रिलीज करवा के स्पर्मियोजेस में रोल प्ले करता है याद आया से स्पर्म बनाना और एल एच ल्यूटेनाइजिंग हॉर्मोन हमें पता है ओव्यूलेशन कराता है फीमेल्स में कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन मेंटेनेंस करवाता है और मेल्स में एल एच लीडिक सेल्स पर एक्ट कर कर जिन्हें इंटरसिशियल सेल भी बोलते हैं एक्ट करके वहां से एंड्रोजेन एंड्रोजेनिटोस्टोरॉन निकलवाता है एम एस एच कितना आसान है मिलानोसाइट को स्ट्यूमुलेट करने वाला हॉर्मोन मिलानोसाइट मतलब स्किन इसका टारगेट ऑर्गन है जो मिलानिन बनाएंगे यानी स्किन कलर की डार्कनिंग करवाता है तो ये सेवन हॉर्मोन एंटीरियर पिट्यूट्री में फॉर्म होते हैं जबकि एडीएच ऑक्सीटोसिन सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूट्री में स्टोर्ड एंड रिलीज होते हैं अब ये जो सेवन हॉर्मोन्स हैं इन पर कंट्रोल हाइपोथैलेमस का है हाइपोथैलेमस कुछ हॉर्मोन्स बनाता है कुछ रिलीजिंग हॉर्मोन्स हैं कुछ इनिबिट्री हार्मोन हैं रिलीजिंग हॉर्मोन इनकी रिलीज को बढ़वाएंगे इनके फॉर्मेशन को बढ़वाएंगे और इनिबिट्री इनको रोकेंगे पहले इनिबिट्री याद कराती हूँ इनिबिट्री तीन से याद रखो किसी भी लव स्टोरी में तीन लोग हैं जो रुकावट डालते हैं इनहिबिट करते हैं मम्मी पापा और ये समाज जालिम समाज मम्मी पापा समाज मम्मी मतलब एम एस एच इनिबिट्री हॉर्मोन पापा पी मतलब प्रोलैक्टिन इनिबिट्री हार्मोन और समाज एस एस मतलब हार्मोन हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन का इनिबेटरी हार्मोन इसे ही सोमैटोस्टैटिन कहते हैं ये ग्रोथ को रोक रहा है सोमैटोस्टैटिन राइट नाउ अब प्रमोटरी कौन से होंगे रिलीजिंग कौन से होंगे वही छ देखो ग्रोथ हार्मोन या एस टी एच का रिलीजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एमएसएच रिलीजिंग हार्मोन ए सी टी एच रिलीजिंग हार्मोन टी एस एच रिलीजिंग हॉर्मोन और एफ एस एच एल एच का अलग अलग नहीं होता है तो गोनेडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन तो ये रिलीजिंग हॉर्मोन और एनिबिट्री हॉर्मोन हाइपोथैलेमस बनाएगा और पोर्टल वेन के थ्रू हाइपोथैलेमस से पोर्टल वेन आएगी जो ऑफ लोड करेगी इन एंटीरियर पिट्यूटरी में और फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी से इन हॉर्मोन्स को ज्यादा बनवाना या कम बनवाना डिसाइड करवाएंगे राइट सो एंटीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलमस बट इनडायरेक्ट कंट्रोल अब आइए स्टूडेंट्स यहां पर मैंने एक्चुअली आपको पिट्यूटरी भी पूरी पढ़ा दी है सारे फ़ंक्शंस भी बता दी हॉर्मोन्स भी बता दिए अब इसके डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं डिसऑर्डर्स बड़े मजेदार हैं देखिए सबसे पहले मैं बात करती हूं एक डिसऑर्डर तो हम ऑलरेडी किडनी में पड़ चुके हैं डायबिटीज इनसीपिडस हम जानते हैं जब भी एडीएच एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन की डेफिशिएंसी कमी होगी तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा डीसीटी कलेक्टिंग ढग से यानी एक्स्ट्रा वाटर यूरिन में जाएगा यानी यूरिन डायल्यूटेड पास होगी यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा इसे हमने डायबिटीज इनसीपिडस कहा था अब ग्रोथ हार्मोन की बात ध्यान से सुनिए ग्रोथ हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से बनता है इसमें दो कंडीशन बनेंगी। उसकी एक्सेस हाइपर सिक्रीशन या लेस यानी हाईपोसिक्रीशन है इनमें फिर दो दो कंडीशन बनेगी जन्म जात उसकी कमी या बढ़ोतरी है या एडल्टहुड में आने पर प्यूबर्टी के बाद इसकी एक्सेस या कमी हुई है ध्यान से सुनिए अगर जन्म से बाय बर्थ ही ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी यानी कंजेनाइटल तो बच्चा बौना रह जाएगा यानी डॉर्फिज्म बीमारी होगी पर ये सिर्फ फिजिकल डॉर्फिज्म है सिर्फ फिजिकली शारीरिक रूप से उसकी हाइट नहीं बढ़ी है अदरवाइज मेंटली सेक्सुअली एक्टिव है जैसे सर्कस के डॉर्फ्स यही होते हैं डॉर्फिज्म वाले लेकिन अगर जन्म से ही हाइपर सिक्रीशन है तो हाइट बहुत बढ़ जाएगी दानव जैसा जायजेंटिज्म कहते हैं नाउ अगर अडल्ट हुड में आने के बाद में इसकी कमी होगी या बढ़ोतरी होगी तो क्या शब्द यूज करेंगे एक्रोमाइक्रिया एंड एक्रो हमारी एनसीआरटी में एक्रोमेग्याली दी है मेगाली मेगा मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बन रहा है कब प्यूबर्टी के बाद देखो तो जितनी बढ़नी है बढ़ गई हाइट तो नॉर्मल है लेकिन ये हाथ फेस ऐसे बढ़ता ही जाएगा यही नहीं जिसको करना बड़ा मुश्किल होता है जनरली पता है कैसे डायग्नोस होता है एक पैर का जूते का नंबर बढ़ जाता है तो जनरली डायग्नोसिस मुश्किल होता है अर्ली डायग्नोसिस हो नहीं पाता है और इसीलिए इससे प्री मेच्योर समय से पहले मृत्यु डेथ तक हो जाती है So, ध्यान रखियो मैं रिवाइज करवाती हूँ ग्रोथ हार्मोन की कमी ग्रोथ हार्मोन मतलब की एक्सेस मतलब अडल्टुड में या कहो आफ्टर प्यूबर्टी उसमें चलिए तो यहां हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कंप्लीट होता है अब हम आ जाते हैं पिट्यूटरी के बाद में पिनियल ग्लैंड पर पिनियल ग्लैंड से एक ही हार्मोन निकलता है एंड दैट इज कॉल्ड मिलाटोनिन पीनियल ग्लैंड जो है एपिथैलेमस की रूफ पर हम ऑलरेडी जानते हैं यानी ब्रेन में ही है पीनियल ग्लैंड जो है इसमें मिलाटोनिन का मेन काम है हमारे बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक या 24 फोर आवर क्लॉक या डायरनल साइकिल को मेंटेन करना ये जो दिन रात की हमारी साइकिल है ये जो है ये मिलाटोनिन कंट्रोल करता है बट इसके अलावा भी हमें आना चाहिए ये मेन्स्ट्रेशन में भी रोल प्ले करता है ये इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है इस तरह से और भी रोल्स हैं पिगमेंटेशन में भी रोल प्ले करता है एम जो है वो स्किन स्किन कलर कलर डार्क करता करता है करता है लाइट बट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ट्वेंटी फोर आवर साइकिल जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं चलिए अब हम आगे आ जाते हैं और हम बात करेंगे माई डियर स्टूडेंट्स थाडरॉइड जो है ये बटरफ्लाई शेप का है बीच में इस्थमस एरिया है ब्रिज जैसा जो नॉन ग्लैंडुलर है यहां से कोई हार्मोन नहीं बनेगा और टू लोब्स है इसकी ट्रेकिया के दोनों तरफ है ये हाइपो ये जो थायराइड ग्लैंड है इसमें जो ग्लैंडुलर पार्ट है टू लोब्स हैं उनमें फॉलिकल्स मिलते हैं फॉलिकल के अंदर फॉलिकुलर सेल्स हैं एपिथीलियम है सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स ध्यान रखना और ये टी थ्री टी फोर बनाएंगे जो आयोडीन की हेल्प से बनते हैं आयोडीनेटेड हैं ये स्लो एक्टिंग होंगे लॉन्ग लास्टिंग होंगे आयोडीन वाली कैटेगरी में आ रहे हैं पर फॉलिकल के बीच बीच में जो जगह है वहां पर सी है, सेल्स हैं पैरा सेल्स वहां से भी एक हॉर्मोन निकलता है जिसे थायरोकैल्सीटोनिन या कैल्सिटोनिन बोलते हैं ये प्रोटीन वाला इसमें आयोडीन का कोई रोल नहीं है ये सेकेंड मैसेंजर के थ्रू काम करेगा इस कैलसीटोनिन का काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल को लो करना जब भी वो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ब्लड में कैल्शियम कैल्शियम कैसे लो करेगा ये का एक्सक्रीशन बढ़वा देगा किडनी के थ्रू कैल्शियम का री कम कर देगा इंटेस्टीन के थ्रू तो ये ब्लड में कैल्शियम को कम करता है लेकिन जब हम नॉर्मली थायराइड हार्मोन बोलते हैं ना तो हमारा मतलब कैल्सिटोनिन से नहीं होता हमारा मतलब टी थ्री टी फोर से होता है जो आयोडीन वाले हार्मोन्स हैं इनका सबसे जरूरी काम है ये हमारी फिजिकल मेंटल सेक्सुअल तीनों तरह की ग्रोथ कराते हैं ध्यान रखना इनकी कमी होगी तो तीनों ग्रोथ पर अफेक्ट आएगा नंबर टू ये हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बी कंट्रोल करते हैं यानी अगर ये हार्मोन्स बहुत ज्यादा निकलेंगे बी हाई हो जाएगा बहुत एनर्जी बनेगी बहुत हीट निकलेगी हमें गर्मी ज्यादा लगने लग जाएगी और अगर ये कम बनेंगे तो इसका उल्टा होगा हमें ठंड ज्यादा लगने लग जाएगी ठीक है नाउ इसके अलावा ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किडनी फंक्शंस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उन सब पे भी रोल प्ले करते हैं इसके अलावा एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी फॉर्मेशन में भी इनका रोल होता है जो थायराइड के हॉर्मोन्स होते हैं इसीलिए जब किसी को एनीमिया होता है तो हम लोग लो थायराइड टेस्ट भी करवा करवाते हैं स्टूडेंट्स पर सबसे जरूरी तीनों तरह की ग्रोथ एंड बीएमआर कंट्रोल करना ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो अब आइए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके डिसऑर्डर्स की इनके डिसऑर्डर्स पे स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज रहते हैं आइए आपको याद कराती हूं मजे आ जाएंगे इसका हाइपर यानी जरूरत से ज्यादा एक्सेस वाली एक ही बीमारी हमें पढ़नी है वो है गोइटर जिसे ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं देखो नाम क्या है एग्जो मतलब बाहर निकला हुआ ऑफ यानी आंखें ऐसा लगता है मेडक जैसी आंखें बाहर टपक पड़ेंगी तो एग्जो एग्जो मतलब बाहर बाहर टपकना यानी बहुत ज्यादा बाहर आ जाना यानी ज्यादा होने से होता है तो हाइपर हाई में, या ग्रेव डिजीज अब देखो बहुत ज्यादा हार्मोन बन रहा है क्यों बन रहा होगा या तो थायराइड का कैंसर हो गया या नॉड्यूल हो गया और अगर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है यानी बीएमआर बहुत हाई है एटीपी बहुत बन रही है हीट बहुत जनरेट हो रही है तो हीट इंटॉलरेंस होगा बॉडी में अंदर गर्मी बहुत है तो उस इंसान को गर्मी बहुत लगने लग जाएगी प्लस बीएमआर बढ़ रहा है तो हार्ट रेट रेस्पिरेटरी रेट ये सब कुछ बढ़ने लग जाता है ये है एग्जॉप थे गोइटर या ग्रेव्स डिजीज हाइपर के कारण हाइपो यानी थायराइड की कमी से चार बीमारियां हमें पड़नी है फोर डिजीज अगर जन्मजात है तो उसे बोलते हैं क्रेटिनिज्म, है, क्रेटिनिज्म पता ये होता है क्योंकि मदर प्रेगनेंसी में है. मदर का डेवलप नहीं हो पाता है तो क्रेटिनिज्म में ध्यान रखो यहां पे फिजिकल ग्रोथ भी स्टंटेड है बोना भी होगा प्लस मेंटली लो आईक्यू हो जाएगा मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा और सेक्सुअली भी जो सेक्स ऑर्गन है अच्छे से डेवलप नहीं होंगे

में में है mixidema. खाने में आयोडीन की कमी के कारण हॉर्मोन्स कम बन रहे हैं वाले तो सिंपल गोइटर और अगर ऑटो इम्यून डिजीज है वो जो फॉलिकुलर सेल्स हैं हॉर्मोन बनाने वाले उनके खिलाफ उस इंसान का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बना रहा है ऑटो इम्यून तो ये मोटो थाइटिस या हसी मोटो हाइपोथरॉयडिज्म का हो गया हशी मोटो सो दिस इज अबाउट थारॉइड ग्लैंड अब आ जाइए फटाफट से पैराथायरॉयड पर आते हैं पैराथायरॉयड फोर ग्लैंड है जो थाइरॉयड के बैक डॉर्सल सर्फेस पर है यहाँ से एक ही हॉर्मोन निकलेगा पैराथाइरॉयड हॉर्मोन या पैराथॉर्मोन इसका काम है कैल्सिटोनिन का उल्टा यानी ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज करना तो ये कैल्सिटोनिन का एंटागोनिस्टिक है जब भी कैल्शियम हाई हो रहा है तो कैल्सिटोनिन निकलेगा थाइरॉयड से और उसे लो कर देगा नॉर्मल ले आएगा और जब भी ब्लड में कैल्शियम कम हो रहा है तो पैराथाइर हार्मोन निकलेगा और उसको बढ़ा के नॉर्मल कर देगा तो इसका काम है ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा देना अब ये ब्लड में कैल्शियम कैसे बढ़ाएगा यूरिन से कैल्शियम के एक्सक्रीशन को रोकेगा कम करेगा इंटेस्टीन से कैल्शियम का एब्जॉर्बशन इंक्रीज करेगा एंड बोन से खींच खींच के कैल्शियम लेकर आ जाएगा इंटू द ब्लड इसे तो ब्लड में बढ़ाना है बोन से कैल्शियम खींच के लाएगा इंटू द ब्लड आप एक बात समझिएगा इससे बीमारियां क्या होंगी देखो बड़ा आसान है इसको समझना स्टूडेंट्स हाइपो और हाइपर हाइपर की बात समझो अगर पैराथाइर हार्मोन बहुत ज्यादा है यानी ब्लड में कैल्शियम वो ओवर करेगा बहुत ज्यादा करेगा तो कहां से खींच के लाएगा बोन से खींच के लाएगा तो बोन पोली होने लग जाएंगी बोन का डी कैल्सिफिकेशन हो रहा, है, हो रहा है बोन में छेद हो रहे हैं डेंसिटी कम हो रही है बोन वीक हो रही है बोन में जल्दी जल्दी फ्रैक्चर हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस मैंने लोकोमोशन मूवमेंट में भी पढ़ाया था याद है ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो लो ईस्ट्रोजन या हाई पैराथाइरोड हार्मोन के कारण होता है लेकिन अगर लो पैराथाइर हार्मोन है कम जरूरत से कम है तो ब्लड में कैल्शियम कम है यानी हाईपो है और उस कारण से मसल्स जो है वो सस्टेन्ड वाइल्ड कॉन्ट्रेक्शन में रहेंगी अकड़ जाएंगी जिन्हें टेटनी कहते हैं तो से ऑस्टियोपोरोसिस होता और से और हाइपो से टेटनी होती है और नीचे आ जाते हैं अब थाइमस ग्लैंड पे थाइमस से भी एक ही हार्मोन निकलेगा थाइमोसिन आप जानते हैं स्टूडेंट्स की बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों ही फॉर्म होते हैं बोन मैरो में रेड बोन मैरो में बी बीलिम्फोसाइड तो मेच्योर भी वहीं होते हैं पर टी लिम्फोसा ब्लड के थ्रू इसी ग्लैंड में आ जाते हैं और यहाँ पर ये हार्मोन हेल्प करता है उनके में तो इसका रोल है ऑफ टी और हम जानते हैं इसमें जो टी हेल्पर सेल बनेंगे वही सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करते हैं और वही बी सेल से एंटीबॉडीज बनवाते हैं यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों में रोल होगा थाइमस का एक फेवरेट क्वेश्चन है नीट का कि थाइमस ग्लैंड उम्र के साथ एज के साथ डिजनरेट करता है और इसीलिए ओल्ड इंडिविजुअल्स की ओल्ड पीपल की बुजुर्गों की इम्यूनिटी लो हो जाती है अब हम और नीचे आते हैं तो हमारा पैनक्रियाज आ जाएगा पैनक्रियाज में हम जानते हैं दो हिस्से हैं एंडोक्राइन एक्सोक्राइन 98 परसेंट पार्ट एक्सोक्राइन है मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था जिसकी यूनिट को ऐसी ना बोलते हैं जहां से पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा याद है वो सारे हमने पढ़े थे ट्रिप्सिनोजन काइमो ट्रिप्सिनोजन प्रोकारबोक्सीपेप्टजाइलेज न्यूक्लियस लाइपेज वो सब एंजाइम्स निकलेंगे टू परसेंट पार्ट एनसीआर टी यहां कहते हैं वन से टू परसेंट पार्ट है जो एंडोक्राइन है इसकी यूनिट को बोलते हैं आई ओ एल आईलेट ऑफ लैंगर हैंड्स कम से कम एक से दो मिलियन आईलेट ऑफ लैंगर हैंड्स होते हैं अब ये जो आईओ एल है इसमें फोर टाइप के सेल है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा हमारे काम के अभी अल्फा बीटा और डेल्टा है

यानी करवाएगा ब्लड में ग्लूकोज बढ़वाएगा और इंसुलिन इसका उल्टा करेगा ब्लड में ग्लूकोज कम करेगा अब ग्लूकेगॉन ब्लड में ग्लूकोज कैसे बढ़वाएगा ब्लड में ग्लूकोज कहा से लाएगा देखो ग्लाइकोजन तोड़ के ग्लूकोज बनवाएगा यानी देन सेल्स को बोलेगा तुम ज्यादा ग्लूकोज यूज मत करो मेरे को तो ब्लड में डाल के रखना है यानी डिक्रीज यूटिलाइजेशन बाय द सेल्स इसका टारगेट ऑर्गन लिवर है लिवर में ग्लाइकोजन को तोड़ के ये ग्लूकोज बनवा रहा है लिवर में ये प्रोटीन अमीनो एसिड जो हैं, फैट फैट जो हैं, उनसे भी ग्लूकोज बनवाता है कुल मिलाकर ये ग्लूकोज ब्लड में इंक्रीज करवाता है और इंसुलिन इसका उल्टा करता है इंसुलिन बोलता है सेल को ले लो इंक्रीज एंड यूटिलाइजेशन बाय द सेल ताकि ब्लड में कम हो जाए इंसुलिन इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा यानी ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा कभी कभी फैट में भी कन्वर्ट करता है एडिपोज टिश्यू भी बनाता है यानी इंसुलिन का टारगेट ऑर्गन जो है वो लिवर तो है ही साथ में एडिपोज टिश्यू भी है तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स ग्लूकेगॉन ग्लूकोज ब्लड में बढ़वाएगा और इंसुलिन ग्लूकोज ब्लड में कम करवाएगा एंटागोनिस्टिक ऑपोजिट है बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखेगी अब आइए इसकी बीमारी पढ़ लेते हैं बीमारी तो आप जानते हैं इंसुलिन की जब कमी होगी ब्लड में ग्लूकोज कम नहीं होगा ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा जिसे हम कहते हैं डायबिटीज मलाइटस मेलाइटस का मतलब ये होता है शहद हनी ब्लड में ग्लूकोज ओवर हो जाना हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाना और हम जानते हैं अगर ग्लूकोज सैचुरेशन लेवल से ज्यादा हो जाए वन मिलीग्राम पर डेसी ब्लड तो वो यूरिन में आता है यानी ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा और आप जानते हैं कि डायबिटीज़ में कीटोन बॉडीज़ क्योंकि डायबिटीज़ मतलब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है फैट भी टूट के ग्लूकोज बना रहा होगा फैट टूटता है तो कीटोन बॉडीज भी बनती हैं यानी ब्लड में कीटोन बॉडीज़ भी बढ़ रही होंगी तो यूरिन में कीटोन बॉडीज भी आती हैं तो अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है कीटोन बॉडीज आ रही है यानी ग्लाइकोस और कीटोन यूरिया हो रहा है मतलब वो डायबिटीज़ इंडिकेट करता है मजे आ गए अच्छे से समझ आ गया चलिए अब और नीचे बढ़ते हैं और नीचे बढ़ेंगे तो आ जाएगा एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड का आउटर पार्ट कॉटेक्स है 75% परसेंट और इनर पार्ट मड्यूला है 25% परसेंट मेड्यूला से दो हॉर्मोन्स निकलते हैं एड्रेनिन नॉन एड्रेनिन इन्हीं का दूसरा नाम है एपीनेफरिन नॉ एपिनफरिन जो टायरोसिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव हैं ये तो हमें पता ही है स्टूडेंट सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टीमुलेट करते हैं उनके ट्रांसमिटर्स हैं और सिंपेथेटिक मतलब इमरजेंसी में जो काम करे भाई क्या होता है इमरजेंसी में बताओ मुझे आप कहोगे मैम इमरजेंसी में आके फटी की फटी रह जाती है यानी प्यूपल डायलेट हो जाती है देन पसीने छूटते हैं स्वेटिंग होती है मुंह सूखता है यानी सलाइवेशन डिक्रीज होता है रेंगटे खड़े हो जाते हैं यानी गूस फ्लैश होता है इसके अलावा दिल की धड़कन बढ़ जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो बीपी इंक्रीज हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी उस समय कहाँ खाना पचाने का या यूरिन मोशन का अपने को कोई दिमाग में रहेगा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम ठप हो जाता है यानी उस समय पे पेरिस्टॉल से स्लो हो जाएगा ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा डेफिकेशन मिक्चुरेशन कम हो जाएगा ये सब कुछ जो भी सिंपेथेटिक में होता है वो सब एड्रीनलिन नॉन एड्रीनलिन के रिस्पॉन्स हो गए यानी इन्हें हम कह सकते हैं कि ये हमें एमरजेंसी हॉर्मोन्स हैं स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं या

िसना ग्लोमेरोसा so, zona 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 से जितने हॉर्मोन्स निकलते हैं उन्हें मिलाकर कहते हैं मिनिरलोकॉटिकॉइड जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एल्डोस्टेरॉन है एल्डोस्टेरॉन किडनी में पड़ा था डीसी से सोडियम रिएब्सॉर्ब करेगा पीछे पीछे वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा यानी ये सोल्ट बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी मेंटेन करते हैं टा से ग्लूको जिसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन है निकलेगा नाम से ही समझ में आ रहा है ये ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाएंगे ये शुगर का मेटाबॉलिज्म करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स यही नहीं इसमें प्लीज 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 ध्यान रखिएगा ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी हैं और इम्यून सिस्टम भी सप्रेस करते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट है और सेक्स कॉटिकॉइड निकलेंगे थर्ड रेटिकुलरिस जोन से यानी थोड़ा सा टेस्टोस्टर मेल फीमेल में राइट right? जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को लाने में हेल्प करेगा इसीलिए कई बार फीमेल के अंदर ये बहुत ज्यादा बन रहे हो तो फीमेल में मेल जैसे कैरेक्टर्स आते हैं दाढ़ी मूज फेशियल हेयर वगैरह डीप वॉइस होना और मेल में अगर फीमेल वाले बनने लग जाएंगे तो गाइनिकोमेस्टिया ब्रेस्ट डेवलपमेंट शार्प वॉइस हाई पिच वॉइस ये सब सेकेंडरी कैरेक्टर्स फीमेल के मेल में डेवलप होने लग जाते हैं चलिए तो अब आइए यानी हम क्या कह सकते हैं कि एड्रीनल कॉर्टेक्स में सॉल्ट मेटाबॉलिज्म हो रहा है शुगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है सेक्स कार्टिकॉइड निकल रहे हैं और एड्रीनल मड्यूरा स्ट्रेस हॉर्मोन रिलीज करवा रहा है तो फोर एस ग्लैंड भी इसे कह देते हैं चलिए अब हम इसकी डिजीजेस की बात करते हैं इसकी डिजीजेस तो बहुत ही मजेदार है आपको ट्रिक से याद करवाती देखो पहले हम हाइपो की बात करते हैं हाइपो में जनरली मिनरैलो कॉर्टिकॉइड और ग्लूको कार्टिकॉइड दोनों एक साथ कम होते हैं कैसे याद रखोगे दोनों दोनों मतलब इन दोनों को एड कर दिया और कम हो रहे हैं छोटा कम होना भाई पिताजी बड़े की बेटा पिताजी यानी बेटा छोटा तो मैं छोटे को सन मानूंगी और दोनों को ऐड कर दिया तो बन गया एडिसन तो एडिसन डिजीज का क्या मतलब है ऐड मतलब इसमें मिनरैलो ग्लूको दोनों की और सन मतलब कमी होती है हाइपो सिक्रीशन ऑफ बोथ मिनरालो एंड ग्लूको एडिसन डिजीज नाउ हाइपर में अलग अलग बीमारियां हैं अगर मिनरालो कार्टिकॉयड बहुत बढ़ेगा तो एल्डोस्टिर बहुत बढ़ेगा सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन बहुत होगा तो ब्लड में सोडियम बढ़ेगा सोडियम मतलब एन ए एन तो एन 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 यानी कॉन डिजीज सी ओ एन एन कौन डिजीज हो जाती है इसे एल्डोस्टरिज्म भी कहते हैं सोडियम बढ़ेगा वाटर बढ़ेगा ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा और अगर ग्लूको इंक्रीज हो रहे हैं तो इसे कशिंग सिंड्रोम बोलते हैं ऐसे याद रखो एक लड़की है जिसमें ग्लूको बहुत बढ़ गए तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा मतलब वो ग्लूकोज अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट होगा और वो फैट चेहरे पर जमा होता है मून लाइट फेस यहाँ बैक पे जमा होता है तो भैंस जैसी बफेलो हम्प हो जाता है इस लड़की का नाम कशिश है कशिंग सिंड्रोम इसका नाम हो गया तो कशिंग सिंड्रोम मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का हाइपर सिक्रीशन या डिजीज़ डिजीज़ ना, 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 ना। का का और इन दोनों हाइपो यानी add आ, आ, आ तो एंटागोनिस्टिक बताएं, बताएं, की जैसे एम एस एच स्किन को डार्क करेगा मिलाटोन लाइट करेगा देन ग्लुकेगन ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा इंसुलिन ग्लू कम करेगा एंड देन में कम करेगा, करेगा। और ये सब कुछ जो है डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तो मुझे बस आपको फटाफट रिकैप कराना है टेस्टिस के अंदर जो ग्रुप ऑफ हॉर्मोन उन्हें एंड्रोजन बोलते हैं लीडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स रिलीज होते हैं जिनमें से मोस्ट कॉमन जो है वो है टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सेक्स डिजायर स्पर्माटोजिनेस और एनाबॉलिज्म मसल बिल्डिंग उन सब में रोल प्ले करेगा ठीक है नाउ इसके अलावा Uh, जो नेक्स्ट है वो है हमारा ओवरी ओवरी से ईस्ट्रोजन निकलेगा जो ग्रेन्युलोसा सेल्स फॉलिकल के सेल्स निकालते हैं और बाद में कॉर्पस ल्यूटियम भी थोड़ा ईस्ट्रोजन निकालता है ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम यूट्रस के एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेटिव बनाता है प्लस सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट सेक्स डिजायर उन सब में रोल प्ले करेगा देन प्रोजेस्टर केवल कॉर्पस ल्यूटियम से निकलेगा और ये एंडोमेट्रियम को सिक्रिट्री बनाता है हमें पता है और uh, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इवन आफ्टर डिलीवरी जो मिल्क एलव्यूलाएँ हैं जहां मिल्क प्रोड्यूस होता है उस यूनिट्स को भी इंक्रीज कर देता है डन नाउ इसके बाद में और कुछ हॉर्मोन्स भी हैं जैसे हम जानते हैं रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्सिन जो है वो भी कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है लेटर हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में निकलता है और वो प्यूबिक सिंफाइसिस लिगामेंट्स को रिलैक्स करता है ताकि ईजी चाइल्ड बर्थ हो जाए इसके अलावा प्लेसेंटा टेम्प्ररी एंडोक्राइन ग्लैंड है और प्लेसेंटा से हम जानते हैं एच सी जी हॉर्मोन देन ईस्ट्रोजन uh, थोड़ा प्रोजेस्टरॉन रिलैक्सिन इन ह्यूमन कुरियोनिक एसी टी एच ह्यूमन कोरियोनिक जो टी एस एच ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेनिक हॉर्मोन ये सब कुछ निकलते हैं सो दिस इज अ जस्ट अबाउट ओवरी ओवेरियन हार्मोन आई शद से अब आइए हम बात कर लेते हैं ये तो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हो गए उनके डिसऑर्डर्स उनके फंक्शंस हॉर्मोन्स उनका काम करने का तरीका उनका केमिकल नेचर किस जर्म लेयर से बनते हैं और कितने कितने नंबर में है अब बात करते हैं कुछ और ऑर्गन्स की जिनका मेजर काम कुछ और है बट वो भी हॉर्मोन बनाते हैं जैसे किडनी किडनी में आप जानते हो जेजी सेल्स मैंने पढ़ा है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से अरिथ्रोपॉयटिन हार्मोन निकलता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो आरबीसी फॉर्मेशन करवाएगा जेजी सेल्स ऑफ किडनी से हॉर्मोन निकलेगा इसके अलावा स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हमारा लिवर है उससे एनजियोटेंसिन निकलता है जो एंजियोटेंसिन वन को फिर एंजियोटेंसिन टू में और फिर ऐसे पहले एंजियोटेसिनो जन जो है वो जो रेनिन आएगा वो एनजियोटेंसिनो जन को एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट करता है और फिर वो एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट करता है ये रास सिस्टम किडनी में हमने पढ़ा है तो लिवर से एनजियोटेंसिनो जन हो गया किडनी से एरिथ्रोपोइटिन बाय जे जी सेल्स हो गया ये पीवाई क्यू भी आया है इसी तरह जी आई टी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में मैंने फोर मेन हॉर्मोन्स बताए थे गैस्ट्रिन जो स्टमक के जी सेल से निकलेगा स्टमक की मोटिलिटी जूस को बढ़वाएगा देन

सो विथ दिस माई डियर 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 स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट किया केमिकल कोऑर्डिनेशन के क्विक पॉडकास्ट रिविजन को आई होप पूरी एनसीआरटी आपने विजुअलाइज कर ली और आपके दिमाग में एकदम मक्खन क्लियर सेट हो गई है मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में टिल दैन वेरी वेरी हैप्पी लर्निंग एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स टू ऑल माई लवली स्टूडेंट्स थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू